वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड, इंजॉइंग योर स्टडीज एंड सेफ एट योर होम। ओके किड्स, दिस इज अ हिंदी सब्जेक्ट, सो टेक आउट योर हिंदी बुक एंड ओपन पेज नंबर 80 फॉर द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 22। ओके बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22, और चैप्टर नंबर 22 का क्या नेम है? सच्चा मित्र। ओके बच्चों, इस स्टोरी में एक सच्चे मित्र के बारे में बताया गया है कि सच्चे मित्र ने कैसे अपनी फ्रेंड की हेल्प करी। ओके, तो आइए स्टार्ट करेंगे। अरे डब्बू, इतनी सर्दी में यहाँ क्यों पड़े हो? बच्चों, ये डब्बू है और ये डब्बू का फ्रेंड है। डब्बू का फ्रेंड डब्बू से पूछ रहा है, अरे डब्बू, इतनी सर्दी में यहाँ क्यों पड़े हो? देखते हैं बच्चों डब्बू ने क्या आंसर किया। क्या करूँ, मेरा घर शैतान बच्चों ने तोड़ दिया। डब्बू ने अपनी फ्रेंड को क्या आंसर किया कि मेरा घर किसी शैतान बच्चे ने तोड़ दिया, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। इतनी ठंड में रात भर यहाँ पर रहोगे तो मर जाओगे, चलो मेरे घर। डब्बू का फ्रेंड डब्बू से क्या बोलता है कि अगर इतनी रात में, इतनी ठंड में रात भर यहाँ रहोगे तो तुम मर जाओगे, चलो मेरे घर। ओके, तो डब्बू बच्चों अपने फ्रेंड के साथ उसके घर जाता है। इसमें दोनों कैसे रहेंगे? डब्बू अपने फ्रेंड से बोलता है कि इसमें दोनों कैसे रहेंगे, क्योंकि उसकी फ्रेंड का घर काफ़ी छोटा है ना बच्चों, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे फिगर में। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड ने क्या रिप्लाई किया। थोड़ी देर तुम अंदर रह लेना, थोड़ी देर मैं रह लूँगा, इस तरह से रात कट जाएगी। ओके, डब्बू का फ्रेंड कितना अच्छा है बच्चों, है ना? वो अपनी फ्रेंड डब्बू से क्या बोलता है कि थोड़ी देर तुम रह लेना और थोड़ी देर मैं रह लूँगा, इस तरह से रात क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि मुसीबत में सच्चा मित्र ही काम आता है। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टोरी थी बच्चों, और आपने स्टोरी में देखा होगा कि डब्बू का जो फ्रेंड है, जब डब्बू पर कोई प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, तो उसने उसकी किस तरह से मदद करी। ओके स्टूडेंट, तो आपको भी अपने फ्रेंड की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। जब भी आपके फ्रेंड को आपकी नीड हो, तो आपको उसकी नीड को फुलफिल करना चाहिए और एक अच्छा मित्र और सच्चा मित्र बनने की कोशिश करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों, आपको ये स्टोरी एज ए राइटिंग वर्क अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। ओके, फर्स्टली आप कॉर्नर पर डेट मेंशन करेंगे, सेंटर में लिखेंगे सच्चा मित्र, और उसके नीचे आप चैप्टर की संख्या लिखेंगे 22। और बच्चों यहाँ पर जो ये स्टोरी दी है, आप इसे सीक्वेंस में अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।